रानू मंडल इन दिनों काफी सुर्खियों में चल रही हैं। स्टेशन पर गाना गाकर गुजारा करने वाली ये महिला आज इंटरनेट सेंसेशन बनी हुई है और किस तरह वो एक लाचार महिला से बॉलीवुड सिंगर बन चुकी है। अब तक रानू बॉलीवुड में हिमेश रेशमिया के साथ 3 गाने डेब्यू कर चुकी हैं, जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। रानू की जिंदगी का ये सबसे बड़ा बदलाव उनकी एक वीडियो का सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। रानू ने लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गाया था। ये गाना गाकर रानू रातों रात फेमस हो गई थी। रानू मंडल का ये वीडियो अतीन्द्र चक्रवर्ती नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, यानी एक तरह से रानू को रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनाने वाले अतीन्द्र ही थे। अब वो हाल ही में अतीन्द्र ने रानू के अलावा एक और रानू जैसे शॉकिंग टैलेंट वाले शख्स को खोज निकाला है। दरअसल रानू मंडल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब अतीन्द्र के फेसबुक पेज सोशल वर्कर अतीन्द्र से एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो किशोर कुमार का गाना मुसाफिर हूँ यारो गा रहा है। इस शख्स की आवाज़ इतनी मधुर और शानदार है कि सुनने वाले सुनते ही जा रहे हैं, और साथ ही इस वीडियो पर मिले कमेंट्स को देखा जाए तो हर कोई इस शख्स की तारीफ करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं कई यूज़र तो इसकी पहचान के बारे में भी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए इस शख्स का गाना गाते हुए शानदार सा वीडियो। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीन्द्र ने रानाघाट का नया टैलेंट ढूंढ लिया है। शानदार गाना गाने वाले इस शख्स का नाम सुरजीत मुखर्जी बताया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि सुरजीत पार्श्व गायक किशोर कुमार का बहुत ही बड़ा फैन है और हर वक्त बस उन्हीं के गाने गुनगुनाता रहता है। ये भी बताया गया कि ये वीडियो अतीन्द्र ने ही लिया है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सुरजीत भी रानू की तरह बॉलीवुड में इतना बड़ा मौका पाएंगे या नहीं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।